चलिए, सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 10:30 में क्लास रहने पर ज़्यादा विलंब हो जाता है, इसलिए हमने क्लास को थोड़ा सा नीचे किया ताकि आपको ज़्यादा विलंब ना हो जाए, ज़्यादा रात तक आपको जगना ना पड़ जाए, क्योंकि सुबह में आपका टेस्ट भी रहता है, तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग करते हैं आज के क्लास को स्टार्ट। एकदम बारीकी से एक एक क्वेश्चन को आप देखेंगे और मैं विद कंसेप्ट आपके सामने सॉल्व करूंगा ताकि आपको काफी मजा आए, ठीक है, और काफी कुछ आपका रिवीजन भी हो जाए। ओके, क्या आप सभी लोग तैयार हैं? क्या आप सभी लोग तैयार हैं तो आज के सेशन को स्टार्ट किया जाए। ठीक, आइए शुरू करते हैं। मेरे साथियों, लगातार महाभारत बैच चल रहा है, लगातार आपका अर्जुन बैच चल रहा है, सारे बैचेस चल रहे हैं। आप लोग अपनी तैयारी में अगर हमारा हेल्प चाहते हैं, हमारा मदद चाहते हैं, तो आप आराम से हमारे साथ महाभारत बैच के अंदर और अर्जुन बैच के अंदर ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। मेरे दोस्त, आज के 40 क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। हमें कहा गया दो इक्वेशन देकर, हमसे कहा कि इसके नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए कि जब किसी लीनियर इक्वेशन के कोई सॉल्यूशन नहीं होते हैं तो इस स्थिति में a1 by a2 बराबर b1 by b2 does not equals to c1 by c2, क्योंकि ये पैरेलल का केस होता है। ठीक है, तो ये पैरेलल का केस होता है जहां a1 upon a2 बराबर b1 upon b2 does not equals to c1 upon c2। तो आप ये देखिए कि यहां पर a1 किसको बोलते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में एक्स का कोफिशियंट a1 है और दूसरे में x का गुणांक a2 है। प्रथम समीकरण में y का गुणांक b1 है और दूसरे में y का गुणांक b2 है। तो अगर देखा जाए, प्रथम समीकरण में x का गुणांक हमारा 1 है, दूसरे में x का कोफिशियंट हमारा k है। प्रथम समीकरण में y का जो कोफिशियंट है -1 और दूसरे में y का जो गुणांक है वो -4। यहां से आप सॉल्व करेंगे तो मेरे दोस्त आपका 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। लेकिन मेरे दोस्त, आपको कुछ पॉइंट पर ध्यान रखना चाहिए। जैसे देखिए, कुछ पॉइंट में जब a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 हो जाए, तो ये वाली जो सिचुएशन है ना, ये इंटरसेक्टिंग वाली सिचुएशन है। इसे क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग, है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, ये एक दूसरे को केवल एक बार टच करता है, काटता है, इसलिए इसका मेरे दोस्त यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, यानी वनली वन सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है वनली वन सॉल्यूशन। ठीक है मेरे दोस्त, साथ ही साथ इस स्थिति को हम अविरोधी भी कहते हैं, अविरोधी, और ये हमारा कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट है, यानी कि संगत वाली सिचुएशन है, संगत वाली। ओके मेरे दोस्त, इसके बाद दूसरा आप यहां देख रहे हैं, नो सॉल्यूशन का केस जो है वो पैरेलल वाली सिचुएशन में आता है, यानी जब दो लाइन समांतर होते हैं तो यहां एक भी हल नहीं होता है। ठीक है, और ये स्थिति जो है ये मेरे दोस्त विरोधी वाली स्थिति माना जाता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर एक भी हल संभव नहीं होते। ओके, तो ये टच नहीं किया है, इसलिए ये जो सिचुएशन है ये नो सॉल्यूशन का केस है। तो नो सॉल्यूशन का केस है, पैरेलल का केस है, और इसे हम विरोधी भी कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, और तीसरा जो इसका केस है वो आप सब जानते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। देखिए, इस स्थिति में मेरे दोस्त यहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं,
और अगर ध्यान से कहा जाए तो मेरे दोस्त ये डिपेंडेंट सिचुएशन होता है। डिपेंडेंट, डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? आश्रित। ठीक है, ये आश्रित वाली सिचुएशन है। यहां पर लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती है, इसीलिए यहां इसे हम क्वाइंसाइड वाली सिचुएशन कहते हैं, या कह सकते हैं कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट यानी कि संपाती। ओके, और मेरे दोस्त यहां पर अनंत बार टच किया है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमने आपको बात बताया, चाहे वो विरोधी वाली बात हो, चाहे वो हमारा विरोधी वाली बात हो, चाहे आश्रित वाली बात हो, ये सभी, चाहे आप तैयारी का पेपर दें, चाहे आप एस्टेट का पेपर दें, है ना, हर जगह पर मेरे दोस्त यहां से क्वेश्चन आता रहा है और आगे भी आता रहेगा। ठीक है, चलिए तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आज का सेकेंड क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है हमें, एकदम प्यार से इस क्वेश्चन को समझिए मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन के अनुसार ये हमारा एक सिमिलैरिटी से सवाल है। ठीक है, हमें एक ट्रेंगल दे दिया है, कह दिया एबीसी एक ट्रेंगल है, डी जो है वो एबी और ई जो है वो एसी पर कहीं एक पॉइंट इस प्रकार है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एडी हमारा 8 है ना, और बीडी हमारा 12 है, फिर हम देख रहे हैं ए अपना 6 है और ईसी की बात करें तो ये हमारा 9 है। ठीक है दोस्त, अब आप एक चीज समझो, कहोगे क्या, यहां पर अगर हम एडी अपॉन ए, यहीं पर देख लीजिए, उतना क्या बच्चा थोड़े, ये देखिए 4 × 2 = 8 और 4 × 3 = 12, यानी आपको 2:3 दिख रहा है। यहां देखिए 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9, ये भी हमारा 2:3 दिख रहा है। अब आपको पता होना चाहिए कि किसी ट्रेंगल में किन्हीं दो साइड को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर मिलाने वाली रेखा अगर उन दोनों साइड को एक ही रेशियो में बांटेगी, देख रहे हो 2:3 2:3, तो थेल्स थ्योरम के विलोम से ये मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। अब जैसे ही ये पैरेलल हो गया तो यहां पर ट्रेंगल हो गया सिमिलर। आप कहोगे सिमिलर कैसे, ये देखो दो पैरेलल लाइन है, ये तिर्यक छेद रेखा है ना भाई, दो पैरेलल लाइन को जब कोई ट्रांसवर्सल काटेगा तो ये आपका संगत कोण से बराबर, ये भी आपका मेरे दोस्त, ये भी क्या हो जाएगा आपका संगत कोण से बराबर, और ये जो है ये दोनों त्रिभुज में होगा। यानी आप कह सकते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे के तीनों कोण के बराबर, ए ए ए सिमिलरिटी से सिमिलर हो गया, और जब ट्रेंगल सिमिलर होंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो छोटा का कॉरेस्पॉन्डिंग 2 है तो आप देखिए बड़े का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, 2 और 3 मेरे दोस्त 5 हो जाएगा। यानी यहां संगत भुजा का अनुपात 2:5 होगा, यहां भी 2:5 होगा और यहां भी 2:5 होगा। हमारा सवाल एक्चुअल में है बीसी और अपॉन डीई। देखिए बीसी हमारा 5 है और डीई हमारा 2 है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 5/2 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर अपना 5/2 होगा। ऐसे ही मेरे दोस्त एकदम लाइक का बटन, तो जैसे ही आते हुए वैसे ही पहला काम तो है लाइक का बटन प्रेस कर देना, जितने भी लोग लाइव हो सबसे पहला काम है गुरु दक्षिणा दे देना, है ना। आपने गुरु दक्षिणा दिया, अब आप अपना काम स्टार्ट करो। ओके चलो, तो ये हमारा 72 है। आइए अब 73 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं ये क्या है मेरे दोस्त। 73 नंबर क्वेश्चन है कि ए और बी अपनी अपनी इनकम का 60% और 75% खर्च करते हैं। फिर लिखा है कि यदि ए का सेविंग यानी ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है तो ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। मैं आपको एक चीज बताता हूं मेरे दोस्त, जब कभी किसी क्वेश्चन के अंदर इस तरह का इंफॉर्मेशन हो, यानी आपको खर्च का परसेंटेज दिया हो, तो आप बचत का परसेंटेज निकाल सकते हैं, क्योंकि किसी का भी इनकम अपने आप में 100% होता है। तो अगर ए का इनकम अपने आप में 100% है, अपने इनकम में से 60% खर्च कर लिया तो 40% बचाया होगा, बी ने अपने इनकम में 75% खर्च कर लिया है तो 25% बचाया होगा, हाँ या ना। बिल्कुल। एक और बात लिखा है
कि ए की बचत बी की बचत से 20% ज्यादा है, ठीक है। तो आप सेविंग्स का भी रेशियो ले लीजिए, मतलब ए और बी के अगर हम सेविंग्स का रेशियो लेने जाएंगे तो क्वेश्चन में लिखा है कि ए की बचत बी की बचत से 20% ज्यादा है, तो ऐसा करो बी की बचत को 100 मान लो, इससे 20% ज्यादा 120 हो जाएगा, यानी ये 6:5 नजर आएगा इनके सेविंग्स का रेशियो। तो आप क्या देख रहे हैं कि सेविंग हमारा परसेंटेज में भी मालूम है और सेविंग हमें रेशियो में भी मालूम है, तो क्या करेंगे, अब सेविंग्स का हेल्प लेके ही हम इसके इनकम तक पहुंचेंगे। तो आप एक काम कीजिए, ए के इनकम को ए मान लीजिए और बी के इनकम को बी मान लीजिए। आपको यह भली भांति पता होगा कि इनकम, अरे सेविंग्स हो या खर्च, इनकम में से ही होता है, बिल्कुल। अब ए के इनकम को हम ए माने हैं, ठीक है, तो देखिए ए अपने इनकम का बचाता कितना है, 40%, यानी ए का बचत है 40%। तो ए अपने इनकम का 40% बचाता है, जो रियल में मेरे दोस्त बचाता है कितना, 6:6, ठीक है। उसी तरह से बी का देखो, बी अपने इनकम का कितना बचा रहा है, 25%, 25% का मतलब 1/4, ठीक है। तो बी अपने इनकम का 25% बचा रहा है, जो बचा कितना पा रहा है, तो बचा पा रहा है मेरे दोस्त 5। तो यहां से अगर हम ए निकालते हैं तो 15 नजर आएगा, यहां से बी निकालते हैं तो 20 नजर आएगा। जानते हैं ये क्या है, ये ए का इनकम है और ये बी का इनकम है, दोनों का इनकम एक साथ जोड़ दिया जाए तो 35 होगा, ठीक है। तो दोनों का इनकम एक साथ जोड़ दिया जाए 35 होगा, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें बस ए का इनकम बी का इनकम जानना था। अब सवाल स्पष्ट कहा है कि सर ए का इनकम बी से कितना परसेंट कम है, आप ही बताइए, ए का जो इनकम है वो बी के इनकम से कम है कि नहीं, हाँ कम है, बताइए कितना कम है जी। तो बी के इनकम से कितना कम है, 5 कम है, किसके इनकम से, बी के इनकम से, और इंटू 100 कितना हो जाएगा, 25%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 25% हो जाएगा, बहुत आराम से आप कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। एकदम ऐसे ही लाइक का बटन प्रेस करते हुए एकदम गर्दा उड़ाते चलो, आप गर्दा उड़ाओगे हम लोग गर्दा उड़ाएंगे, मजा आ जाएगा, ठीक है। और मेरे दोस्त अब ऐसा थोड़ी ना है कि पेपर का टाइम आ जाएगा तो हम अपनी तैयारी करेंगे, हमें तैयारी अभी से कमर कसना होगा, तब जाके 4.0 में हमारी अच्छी तैयारी हो पाएगी, ठीक है। आओ देखो, अभी से ही डेली आपको लाइव रहना होगा। 1/35 सेमी अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब होता है रेडियस, रेडियस, ठीक है। 35 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त में एक चाप केंद्र पर 72 डिग्री के कोण बनाते हैं, सेक्टर का एरिया क्या होगा। अब देखो हमारे पास एक, मेरे दोस्त हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर, ये क्या हो गया, तो ये हमारे पास रेडियस है, ठीक है। अब हम क्या देख पा रहे हैं, यहां समझना, इस सर्कल की हमें कहा गया कि एक जीबा, जीबा नहीं सॉरी चाप, सर्कल की एक चाप सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 72 डिग्री का एंगल बनाती है, और इसका रेडियस जो है वो कितना है, 35 है। हमें इसी सेक्टर का एरिया चाहिए, सेक्टर का, अगर आपको सेक्टर का एरिया चाहिए आप सब जानते हैं, थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर, सॉल्व करेंगे 770 आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके भाई, आओ अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्या है मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको काफी मजा आ जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, एक समूह में कुछ व्यक्ति था, उसका औसत उम्र 35 काउंट किया गया, जो कि उसके सही औसत से 2.5 वर्ष अधिक था, अच्छी बात है। ऐसा इसलिए हुआ, अब देखिए एक समूह में कुछ व्यक्ति था जिसका एवरेज 35 काउंट किया गया, बाद में पता चला कि वो जो एवरेज 35 है वो सही एवरेज से 2.5 वर्ष अधिक था, सही एवरेज से वो 2.5 वर्ष अधिक, तो आखिर वो सही एवरेज से 2.5 वर्ष अधिक क्यों हो गया, क्योंकि गिनती करते समय जो 29 साल का आदमी था उसके लिए 38.5 लिख लिया है, जो 29 साल का आदमी था उसको 38.5 मान लिया, और जो 22 साल का आदमी था उसको 40 मान लिया। अब आप बताइए
अगर 29 वाले को 38.5 मानेगा, इसका मतलब 9.5 साल ज्यादा मान लिया, और 22 वाले को अगर 40 मानेगा तो मेरे मित्र 18 साल ज्यादा मान लिया, यानी कुल मिला के देख लिया जाए तो 27.5 इतना ज्यादा गिना। ध्यान देना दोस्त, अब 27.5 ज्यादा गिना, और आप याद रखिए एवरेज निकालते समय आप जितना ज्यादा गिनते हैं या जितना कम गिनते हैं उसका बंटवारा सभी लोगों में होता है, और जितना जितना हिस्सा होता है उतना से ही एवरेज बढ़ जाता है। आपको तो पता है कि वो जो 35 हमारा एवरेज है वो ओरिजिनल से 2.5 ज्यादा हो गया है। जो ओरिजिनल से 2.5 ज्यादा क्यों हो गया, क्योंकि यही जो आप 27.5 काउंट किए ज्यादा, इस ज्यादा का बंटवारा हुआ होगा, और ये 27 का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, 27.5 का सभी को 2.5 हिस्सा हुआ होगा, इसीलिए 2.5 ज्यादा हो गया। तो आप सीधे कहिए कि सुनिए ना, 27.5 जो ज्यादा हम काउंट किए ना, हम लोगों में बांटे तो प्रत्येक को हिस्सा कितना हो गया, 2.5 का। अब प्रत्येक को 2.5 मिल रहा है और बांट रहे हैं 27.5, इसका मतलब कितने लोगों में बांटा गया, 11 लोगों में बांटा गया, यानी इससे स्पष्ट हो गया कि उस टीम में 11% थे। कितना परसेंट था, 11% था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 11 हो गया। चलिए सभी लोग बना रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चलते रहिए बढ़ते रहिए। आइए मेरे दोस्त, आप देखिए ये क्वेश्चन की ये क्या है, ये कह रहे 8 सेमी ऊंचाई वाले शंकु के वक्रीय सतह का क्षेत्रफल 60 पाई मीटर स्क्वायर है। देखो ना 8 मीटर हाइट है और ऐसे शंकु का वक्रपृष्ठ एरिया कितना है, 60 पाई है। बता दीजिए इस शंकु का आयतन क्या होगा। मेरे दोस्त अगर आप इसको बेसिक से बनाने जाएंगे तो काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो क्या करना चाहिए हमें, अभी आपको बताते हैं। मेरे दोस्त आपको पता होगा है ना, आप यहां देखो पाई आर और एल, पाई आर एल ये हमें दिया है 60 पाई, यहां से आर इंटू एल करेंगे तो ये हमारा 60 हो जाएगा, यानी हमें ये बात पता चल चुका है कि आर इंटू एल का मान मेरे दोस्त कितना है, 60 है। अब आप बताइए कि ये हमारे पास एक शंकु है, ये कोण है, अब इस कोण की रेडियस क्या है नहीं मालूम, इस कोण का एल क्या है नहीं मालूम, ध्यान देना इसका रेडियस क्या है नहीं मालूम, इसका एल क्या है नहीं मालूम, बस हम जानते हैं कि इसका हाइट कितना है, हाइट इतना इसका 8 मीटर है। अब आप बताइए हाइट अगर 8 मीटर है और ये एक समकोण त्रिभुज है तो एल और आर क्या होना चाहिए ताकि एल इंटू आर करने पर 60 हो सकता है। तो मेरे दोस्त मैं पूछता हूं क्या इसको आप 6 × 10 नहीं लिख सकते, आप कहोगे हाँ सर, तो ऐसा कीजिए ना आप रेडियस को 6 मान लीजिए और एल को 10 मान लीजिए तो आपका ट्रिपलेट काम कर जाएगा, 6, 8, 10 जो बिल्कुल हो सकता है, कहीं तो दिक्कत नहीं है, तो 6, 8, 10 ट्रिपलेट भी हो गया और 10 × 6 यहां पे 60 भी हो गया। तो इस तरह से हम तुरंत रेडियस जान गए 6, और जब हम रेडियस 6 जान गए हैं तो शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच, मेरे दोस्त 36 12 12 8 96 पाई इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है 96 पाई 96 पाई 96 पाई, बहुत बढ़िया, एकदम ऐसे ही आप लगे रहिए एकदम जोशो खरोश के साथ, और हम सभी मिलकर आपके साथ बहुत मजे से तैयारी करेंगे है ना, और 4.0 का एक बेहतरीन माहौल बनेगा। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए दोस्त ये सवाल बहुत अच्छे एलसीएम एससीएफ का है, कह रहे 7 का सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है जिसे 8, 9, 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 रिमाइंडर बचता है। अब आप ही बताइए मेरे दोस्त, हम इन सब से भाग दें, मतलब इन सब से भाग दें तो हमें 5 रिमाइंडर बचना चाहिए, तो भाग देने के बाद रिमाइंडर कब बचता है, तो रिमाइंडर अगर बचाना है तो ये तभी संभव है जब भाग लगने वाली से उतना ज्यादा आपको रखना होगा जितना आपको रिमाइंडर चाहिए, ठीक है, इन सब से भाग देंगे तो 5 रिमाइंडर चाहिए, इसका मतलब हमारा जो नंबर होगा वो इन सब से कटने वाली अर्थात इन सब के एलसीएम से 5 ज्यादा, तो आज इन सब का एलसीएम लेंगे तो 360,
अब इसमें हम 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 365। आप जानते हैं 365 ही हमारा आंसर होता अगर ये शब्द ना लिखा होता, क्या 7 का सबसे छोटा मल्टीपल। तो 7 का मल्टीपल है तो 7 से कटना भी चाहिए, आंसर हमारा 365 ही होता अगर मेरे दोषी 7 से कट जाता। लेकिन आप ही बताइए क्या ये 7 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो फिर आंसर कैसे निकालेंगे। तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारे एलसीएम के किसी मल्टीपल से 5 ज्यादा। किस मल्टीपल से मेरे दोस्त? एलसीएम का हमें वो मल्टीपल लेना होगा जिससे कि वो किससे कट जाए, 7 से कट जाए, है ना। अब मेरे दोस्त के का क्या मान रखें कि 7 से कटेगा, तो वहां के का मान रखो, गुना करो, बार बार 5 जोड़ो, ये थोड़ा टफ सॉल्यूशन हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए, 7 का मल्टीपल इसमें से हटा दीजिए। 360 देख रहे हैं ना, तो हमें 350 तक तो समझ में आ रहा है कि 350 जो है वो 7 से कट जाएगा। तो 360 में 350 7 से कट जाएगा तब तो 10 के और बचेगा, 360 के में 350 के 7 से कट जाएगा तो 10 के और बचेगा, 10 के में 7 के 7 से कट जाएगा तो अब कितना बचेगा, 3 के और प्लस में 5। देखो सबसे पहले हम देखें 7 से 360 कहां तक कटता है, तो 350 तो हमको तुरंत कटता नजर आया, साइड कर दिए। अब 360 में 350 हटा दिए 10 के, अब 10 के में 7 से भाग देंगे तो एक बार में लगेगा 7 एकम 7, यानी 7 के और कट जाएगा, तो अब बचेंगे कितने, 3 के और प्लस में 5। अब 7 से ये दोनों कट रहा है तो सिर्फ इसको 7 से कटने के लायक बना दो, है ना। और इसको 7 से कटने के लायक बनाओगे तो इसके लिए के का मान 3 रखना होगा, क्योंकि 3 रखते ही 9 5 14 ये भी 7 से कट जाएगा। ये दोनों 7 से कट ही रहा था, ये भी हमारा 7 से कट गया, यानी हमें ये पता चल गया कि मेरा जो रिजल्ट होगा वो हमारे एलसीएम के तीसरे मल्टीपल से 5 ज्यादा, यानी 1085। ये तो हो गया मेरे दोस्त कि हमने आपको तरीके से बता दिया। बाकी इस सवाल को अगर हमें सॉल्व करना होता जल्दी से तो आप ऑप्शन का भी हेल्प ले सकते थे, है ना। कैसा ऑप्शन का हेल्प लेते, तो मेरे दोस्त सबसे पहले क्या 5 रिमाइंडर चाहिए, इसका मतलब जो भी मेरा आंसर होगा वो कटने से 5 ज्यादा होगा तभी 5 रिमाइंडर आएगा, है ना। तो कटने से 5 ज्यादा अगर मेरा आंसर है तो सबसे पहले आप 5 हटा दीजिए, 5 हटाते ही 720, 5 हटाते ही 1080, अब 5 हटाते ही 360। तो 5 रिमाइंडर चाहिए था, यानी हमारा आंसर कटने से 5 ज्यादा, जो आंसर वही ऑप्शन में, इसलिए फटाफट 5 हटा दिए ताकि अब कटने वाली मिल जाए। किससे कटने वाली, इन सब से कटने वाली। तो मेरे मित्र देखो, इन सब से, इन सब का एलसीएम 360 है, 360 से 360 भी कटेगा, 720 भी कटेगा, 1080 भी कटेगा, तो फिर अब किसको आंसर बोल दे। तो मेरे मित्रों ऐसी स्थिति में हमें यह भी देखना होगा कि हमारा ओवरऑल आंसर जो है वो 7 से कटना भी चाहिए। तो ओवरऑल 7 से इसमें भाग देंगे 7 से नहीं कटेगा, 7 से इसमें भाग देंगे कट जाएगा, 7 से इसमें भाग देंगे नहीं कटेगा, यानी आपको यह समझ में आ गया कि 1085 ही 7 का वो मल्टीपल है जिसमें इन सब से भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में 5 रिमाइंडर आएगा। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब इसको देखिए, ये क्या कहता है, ये आपसे कहता है कि सर कोई पतंग एक डोरी से जुड़ी है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए जब पतंग की ऊंचाई 90 मीटर हो और डोरी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती हो। आप सब जानते हैं कि मेरे दोस्त पतंग किस तरह से उड़ता है, आपको सब, आप सभी को यह बात पता है कि पतंग का उड़ते समय, जैसे पतंग मान लीजिए यहां पर उड़ रही है, तो निश्चित तौर पर आप यह समझ रहे होंगे इसकी जो धागा होगी वो कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में होगी, पतंग की डोरी, है ना। तो हमें कहा कि पतंग की डोरी की लंबाई क्या होगा अगर पतंग जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही हो, और मेरे दोस्त इस पतंग की ऊंचाई जो है वो धरती से 90 मीटर है, ठीक है। तो बताइए डोरी की लंबाई क्या होगा, बड़ा आसान है, कैसे, 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर 1, बेस हमारा √3 और 90 के सामने कर्ण अपना 2 है। अब देख लो मेरे दोस्त, एक का मान अगर 90 है तो 2 का मान 180 हो जाएगा, यानी आपके डोरी की लंबाई 180 होगा, बहुत आसान, बहुत ही सिंपल, ठीक है दोस्त। समझ नहीं आया क्या बोला आपने,
मैंने ऐसा क्या बोल दिया कि आपको समझ नहीं आया? कुछ गलत बोल दिया क्या? कुछ गलत तो मैंने बोला ही नहीं। अब आप देखिए ये सवाल क्या है। मेरे दोस्त ये कहता है कि 900 किलोमीटर की यात्रा कोई 11 घंटे में करता है, ठीक है। यदि यात्रा का 2/5 भाग 60 की स्पीड से पूरा किया है तो शेष यात्रा किस स्पीड से पूरा की जाती है? आप ही बताइए। अब 900 किलोमीटर का कोई 2/5 निकालेगा तो मेरे मित्र ये हमारा 360 किलोमीटर होगा। अब क्वेश्चन ये कहा कुल यात्रा का 2/5 भाग हम 60 की स्पीड से जा रहे हैं, तो मतलब मेरे दोस्त 2/5 यानी कि 360 किलोमीटर आप 60 की स्पीड से जाएंगे तब तो 6 घंटा आपको लगना है, ठीक है। अब आपको यह भी पता है कि पूरी यात्रा हमें 11 घंटे में करना है जिसमें 6 घंटा हम लगा लिए तो बचा कितना? 5 घंटा, यानी अब केवल 5 घंटा में बचा हुआ दूरी जाना होगा। अब आप ही बताइए कि मेरे दोस्त अगर आपने 900 किलोमीटर में 360 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, इसका मतलब 540 किलोमीटर की दूरी और बच गया, 900 में 360 हटा दिए तो 540। अब यही 540 किलोमीटर की दूरी आपको 5 घंटा में जाना है तो मेरे मित्र हो जाएगा 108 किलोमीटर पर आवर। अब आप में से जिन्होंने भी बनाया होगा 108 108, सभी के आंसर 108 आए होंगे, सभी के आंसर 108 आए होंगे। मेरे दोस्त रेलवे एनटीपीसी की क्लास जो है वो दोपहर 2 बजे होना है, दोपहर 2 बजे रेलवे एनटीपीसी की क्लास होना है। अभी क्या होता था कि मेरा ऑफलाइन क्लास रहता था तो आने में विलंब हो जाती थी और बैक टू बैक क्लास होने से हम थोड़ा टायर्ड हो जा रहे थे, ठीक है। तो मेरे दोस्त इसलिए एनटीपीसी की क्लास को 2 बजे रखा गया है। 2 बजे आप मंडे टू फ्राइडे हमारे साथ जुड़ेंगे, है ना। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि कल से ही मैं शुरुआत कर दूं इसकी, ठीक है, लेकिन क्लास मंडे टू फ्राइडे आपका मुख्य रूप से चलना है, ठीक है। चलो अब आप इसको देखो, ये क्या है। कहता है कि त्रिज्या 2R के एक वृत्त के एक चतुर्थांश का परिमाप क्या होगा? अब देखो मेरे दोस्त, सर्कल का एकदम ध्यान से देखना, सर्कल का अगर आप क्वार्टर फॉर्म बनाते हो, ये है सर्कल का क्वार्टर फॉर्म, ठीक है। अब यहां पर आप देख लो मेरे दोस्त, आपके इस सर्कल का रेडियस कितना है? 2R, तो 2R इधर भी हो जाएगा, 2R इधर भी हो जाएगा, ठीक है। अब आपको एक बात पता होना चाहिए, जब सर्कल पूरा है तो मेरे दोस्त उसका परिमाप होता है 2πR, और आज मेरे दोस्त सर्कल चौथाई हो गया तो परिमाप क्या होगा? तो आप ध्यान रखना, ए चारों तरफ की लंबाई 2πR है ना, लेकिन आपको तो मेरे दोस्त यहां से यहीं तक चाहिए ना, सिर्फ यहां से यहीं तक चाहिए। कहोगे हाँ जी सर, तो चलो कोई बात नहीं, अगर ये पूरा सर्कल होता तो 2πR, आर कितना है? 2R, तो आर की जगह लिख दो 2R, है ना। यानी सर्कल पूरा होता तो 2πR होता, लेकिन ये सर्कल का एक चौथाई है तो आप इसको भी एक चौथाई कर दो, इसका मतलब ये आपका हो जाएगा πR। तो मेरे दोस्त यदि हमसे कोई इसकी पेरीमीटर मांगता हो, क्वाड्रांट का पेरीमीटर, तो क्या करेंगे? पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री पर एक राउंड घूमना, तो देखो 2R 2R और ये हमारा πR, तो फाइनली हो जाएगा πR πR+2R+2R यानी कि आपका 4R, यही हो जाएगा इस क्वाड्रांट की पेरीमीटर, πR+4R। और देखो किसी भी ऑप्शन के अंदर πR+4R नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ई हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, बिल्कुल बिल्कुल। क्या ये क्लास ऑफलाइन सेंटर पर आकर कर सकते हैं? नहीं मेरे दोस्त, ये क्लास आप ऑफलाइन सेंटर पर नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी रात तो मैं घर से लाइव रहता हूं, तो आप ऑफलाइन सेंटर पर कैसे आके ये क्लास करेंगे? ऑफलाइन सेंटर पर आकर आप इसका बैच कर सकते हैं जो कि मिनी फाउंडेशन के फॉर्म में चल रहा है ना, TRE 4.0 के लिए। उसे मिनी फाउंडेशन नहीं, फाउंडेशन ही आप कहेंगे, है ना, क्योंकि जिस हिसाब से टाइम रहता है उतने डिटेल में हम आपके साथ काम करते हैं, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, यदि कॉस अल्फा बराबर 1/2 और टेन बीटा बराबर 1/3, तो बताइए साइन अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? अब आप जानते हैं, यहां पर एकदम प्यार से देखिए,
मेरे दोस्त, ये हमारा ये अपना कॉस अल्फा बराबर, ये मेरे दोस्त क्या है हमारा कॉस 60। अब कॉस अल्फा बराबर कॉस 60 क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त, अब देखो क्या है ना, एक बात बताऊं, अल्फा का मान यहां 60 हो गया, ठीक है। अब यहां पर देख लो, टेन बीटा बराबर 1/√3। अब बताओ 1/√3 टेन में कितने डिग्री का मान है? 10 30 डिग्री का मान है। तो टेन बीटा बराबर 10 30, तो बीटा का मान हो गया 30। तो अल्फा का मान 60, बीटा का मान 30, आप यही बैठा दो। अल्फा का मान 60 है, बीटा का मान 30 है, बैठा दिया। अब देखियो साइन 60 + 30 हो जाएगा 90, और साइन 90 का मान कितना? 1। तो लीजिए हमारे पास आंसर 1 आ गया। किसी भी ऑप्शन के अंदर 1 नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब मेरे दोस्त आप इसको देखो, ये क्या है 82 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 82 नंबर क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है। हम देख रहे हैं, हमें कहा कि नीचे एक सेमी पेरीमीटर है और ऊपर में एक राइट एंगल ट्रेंगल है, ठीक है। तो ऊपर में समकोण त्रिभुज है, नीचे में हमारा अर्धवृत्त है, सेमी सर्कल है, सॉरी ये सेमी सर्कल है, और ये मेरे दोस्त ऊपर में राइट एंगल ट्रेंगल है। हमें इसका पेरीमीटर मांगा है। मेरे दोस्त आपको यह पता होना चाहिए कि पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री पर एक राउंड चलना, बाउंड्री पर एक राउंड चलना, ठीक है। अब देखिए हम बाउंड्री पर एक राउंड चलेंगे कैसे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये 13 है, ये 5 है, तो ट्रिपलेट से ये आपका क्या हो जाएगा मेरे मित्र, ट्रिपलेट से हो जाएगा 12, ठीक है। 12 हो गया इस अर्धवृत्त का व्यास। अगर हम त्रिज्या निकालने जाएंगे तो त्रिज्या हो जाएगी 6, हाँ या ना? आप कहोगे हाँ जी सर। अब मेरे दोस्त हम रेडियस फाइंड कर चुके हैं, हमें चाहिए इस फिगर का पेरीमीटर। अगर हमें इस फिगर का पेरीमीटर चाहिए तो पहले आपको दो पॉइंट का ध्यान रखना होगा। अगर आप मेरे दोस्त इस अर्धवृत्त की बात करते हो तो इसका जो परिमाप होता है, इसका परिमाप ये होता है पाई आर और प्लस में 2r। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि एक ऐसा अर्धवृत्त जिसमें डायमीटर ना हो, सिर्फ ये, सिर्फ इसकी बात करें तो सर्कल पूरा है। जब सर्कल पूरा रहता है तो 2πr, सर्कल जब पूरा रहता है तो 2πr, ये आधा है तो इसको आधा कर दीजिए, यानी ये हमारा πr हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि यहां से लेकर के अगर हम सिर्फ यहां की बात करेंगे तो ये हमारा होगा πr। पाई और r कितना है मेरे दोस्त? ये 6, ठीक है। तो यहां से यहां हमारा क्या हो गया? तो मेरे मित्र हो गया ये 6π, और प्लस ये तो हमारा 6π हो गया, बिल्कुल। अब ये क्या है? 5 और ये है 13, तो मेरे दोस्त हो जाएगा 5 और प्लस में 13, यानी 6π और प्लस 18। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हमें आंसर दिख रहा है। क्या हो गया जी? क्या समस्या हो गई? गुस्सा हो गया क्या आप लोग? आइए मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसे देखिए। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये मेरे दोस्त टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन है, और ये वेजेस वाली, मजदूरी वाली क्वेश्चन है। आप याद रखना, टाइम एंड वर्क में मजदूरी का बंटवारा इस बात पर नहीं होता कि काम कितने दिन में खत्म हुए। पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन यानी मजदूरी को इस बात से मतलब है कि किसने कितना काम किया। जो जितना काम करेगा उसे उसी हिसाब से मजदूरी मिलेगा। कभी कभी क्या होता है कि सभी वर्कर एक साथ काम स्टार्ट करते हैं और एक ही साथ फिनिश करते हैं, तो उस स्थिति में इफिशियंसी के रेशियो में ही मजदूरी बट जाता है। जैसे आज देखिए ना, अगर हम बात ए बी और सी की करने जाएं, ए किसी काम को 8 दिन में, मेरे दोस्त बी उस काम को 10 दिन में, और सी उस काम को 12 दिन में फिनिश करता है। अगर मेरे दोस्त 8 दिन, 10 दिन और 12 दिन में फिनिश करता है तो सबसे पहले आप टोटल वर्क, इन तीनों का एलसीएम 120, 8 दिन में 120, 1 दिन में 15, 10 दिन में 120, 1 दिन में 12, 12 दिन में 120, 1 दिन में 10। यानी आप देख पा रहे हो कि ए बी और सी के इफिशियंसी का रेशियो 15, 12 और 10 है। इस क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा है कि इन्होंने एक साथ मिलकर के काम पूरा किया है। अगर एक साथ मिलकर काम पूरा किया है तो जो इफिशियंसी होगा वही मजदूरी होगा।
आपको किसका हिस्सा चाहिए? आपको चाहिए बी का हिस्सा। बताइए बी को मिलेगा क्या? 12। बी को मिलेगा 12 कितना में मेरे मित्र? 37 में। अगर 37 में बी को 12 मिलेगा तो बताइए 5550 में इसको कितना मिलेगा? तो मेरे दोस्त यहां से हम देखेंगे अगर तो हो जाएगा 150 यानी 1800। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 1800 होगा, ऑप्शन नंबर सी। कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है दोस्त। आओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल ये रहा। अब देखिए ये हमें क्या कहा है, ये मेरे दोस्त हमें कहा है 70 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का क्या होगा एवरेज। 70 और 90 के बीच अभाज्य संख्या, जानते हो प्राइम नंबर लिखने के मेरे दोस्त कोई नियम कानून नहीं है, आपको मैनुअल ही लिखना होगा। अब 70 से 90 के बीच लिखेंगे तो 71, 73 मेरे दोस्त, 79, 83 और 89। बस 70 से 90 के बीच इतने ही प्राइम है, हमें चाहिए इसका एवरेज। तो एवरेज बराबर क्या होता है? सभी का योगफल, सभी का योगफल और बटे नंबर ऑफ टर्म। अगर आप इसे जोड़ते हैं तो मेरे दोस्त ये हमें 395/5 नजर आता है। 5 × 7 = 35 और 5 × 9 = 45 यानी इसका एवरेज जो है वो 79 है। इसका एवरेज कितना हो जाएगा अपना? 79 हो जाएगा। नौ सौ निन्यानवे और 1299 आपकी क्लास सेम चल रही है, बराबर कोर्स हुआ है क्या दोनों में? हाँ बिल्कुल, दोनों में अभी बराबर कोर्स हुआ है, लेकिन 1299 में मेरे दोस्त कुछ पार्ट अलग से लगेगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आपकी आएगी तो फिर उसका उसमें कुछ पार्ट और लगेगा, ठीक है। तो फी अगर अलग अलग है तो कुछ ना कुछ उसमें अलग होगा, ठीक है। आप थंबनेल देख के आप समझ सकते हैं, थंबनेल पे स्पष्ट लिखा हुआ है। आइए ध्यान दीजिए, अब मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को गौर से देखा जाए कि आखिर ये क्या है। ये बोट एंड स्टीम का सवाल है, समझते हैं इसको। पहले एक नाव धारा की दिशा में 56 किलोमीटर की दूरी 3.5 घंटे में तय कर सकती है। अस्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल 3:1 है, तो बताइए नाव धारा की दिशा में 41.6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। अब आप यहां देखिए अनुपात की राशि, मेरे दोस्त हम यहां पर x मान रहे हैं, ठीक है। अनुपात की राशि x माने हैं तो ये हमारा शांत जल में नाव की चाल यानी बोट की स्पीड है और ये धारा की स्पीड यानी स्ट्रीम की स्पीड है, ठीक है मेरे दोस्त। अब यहां पर क्या हुआ है, धारा की दिशा में एक नाव 56 किलोमीटर गया है। तो 56 किलोमीटर अगर धारा की दिशा में जाएगा तो धारा की दिशा में चाल क्या काम करेगा? 3 × 1 = 4 मेरे मित्र, 4x की स्पीड काम करेगा। तो दूरी बटे चाल बराबर समय, तो देखिए समय लगा कितना है मेरे दोस्त, यहां पे 3.5 घंटे का समय लगा है। आप थोड़ा सॉल्व कर लो, देख लो ये इससे मेरे दोस्त ये 14 बार में कटेगा, 14 × 4 = 56, 2 × 5 = 10, 7 × 5 = 35, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x1 + x और 2 × 2 = 4 यानी x का मान हो गया 4। अब x का मान जैसे ही 4 हो गया तो देखिए 4 × 3 = 12 ये बोट की स्पीड और x का मान 4 ये धारा की स्पीड, यानी नाव की चाल 12 और धारा की चाल मेरे दोस्त 4। क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए धारा की दिशा में 41.6 किलोमीटर की दूरी कितना देर में ट्रेवल करेगा। तो लीजिए ना, धारा की दिशा में जाइएगा तो नाव प्लस धारा यानी 16 का स्पीड काम करेगा। अब देखिए 16 × 16 बचेगा मेरे दोस्त 96, 16 × 6 = 96 यानी आपको 16 × 32 बचेगा 9, 16 × 6 = 96 यानी आपको 2.6 घंटे लगेंगे, 2.6। क्या कोई तकलीफ है? नहीं होना चाहिए। अरे आप हमारे साथ बने रहिए, आपको ये बात पता होना चाहिए मेरे दोस्त कि इस बैच में यानी इस क्लास को करने के फायदे क्या हैं। इस क्लास को करने के एक फायदे तो मेरे दोस्त ये हैं कि आपके पेपर में जो क्वेश्चन जिस लेवल के आते हैं मेरे दोस्त, यहां पर बिल्कुल आपके लिए लेवल को मेंटेन रखा गया है। और दूसरी बात क्या कि इस 40 क्वेश्चन में अगर हमारे साथ रेगुलर रहते हो तो मैं अभी आपके सामने आया हूं 54 सेट लेकर के,
है ना, 54 सेट। अब आप 54 सेट को 40 से मल्टीप्लाई करके देख लो तो मेरे दोस्त ये आपका 2160। टोटल हम 2000 क्वेश्चन कराने वाले हैं। अब 2000 क्वेश्चन अभी लगातार आपका चलेगा 54 सेट। तो अगर हमारे साथ ये 54 सेट में आप शामिल होते हैं तो 2000 क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का आप देख लेंगे। आपकी तैयारी का एक कड़ी मेरे दोस्त यहीं पे समाप्त हो जाएगा। आज हमारी चौथी ये सेट है, लेकिन हमें 54 सेट करना है, यानी इसके बाद हमें 50 सेट आपको और कराना है। इसलिए मेरे दोस्त हमारे साथ आप जरूर जुड़ें, आपको बहुत बेनिफिट होना है, इसमें कहीं से कोई दोहराए नहीं है। लेकिन मैंने जैसा कि शुरू में ही कहा था, मेरा भी एक शर्त है, आप लाइव रहेंगे तभी इस सीरीज को मैं आपके लिए कंटिन्यू रखूंगा। अगर आप लाइव नहीं रहेंगे तो फिर मुझे मजा नहीं आएगा। इसलिए आप सभी लोग जो भी बाद में क्लास को देखते हैं, प्रयास करें कि लाइव जुड़ें। लाइव जुड़ेंगे काफी मजा आएगा, ठीक है। चलो तो मेरे दोस्त सीधे सीधे हम सवाल पे आते हैं। देखिए क्या है ये, यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी को जब x माइनस वन द्वारा विभाजित किया जाता है तो 15 शेष बचता है, और जब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए को एक्स प्लस वन के द्वारा विभाजित किया जाता है तो माइनस वन रिमाइंडर बचता है। आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताइए। एक्चुअल में मेरे दोस्त ये जो हमारा क्वेश्चन है वो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, ठीक है मेरे दोस्त। आओ हम आपको बताते हैं। सबसे पहले एक बात याद रखो, आप देखो ना, भाग देने का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि इसको उठाइए और इसमें भाग देने लगे। भाग देने के शॉर्टकट तरीके भी होते हैं। शॉर्टकट तरीके क्या है, जिससे भाग देना है उसको जीरो के बराबर कर लीजिए और वहां से आप एक्स का मान निकाल लीजिए। अब जिससे भाग देना था जीरो के बराबर किए, एक्स का मान निकाल लिए, अब एक्स का यही मान उसमें पुट कर दीजिए जिसमें भाग देना है। भाग देना था इसमें, आप इस एक्स का मान इसमें पुट कर दीजिए। अब जैसे ही इसमें पुट करेंगे मेरे दोस्त तो क्या होगा, तनिक ये देखिए, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और प्लस बी, अगर इसमें एक्स का मान वन पुट करेंगे तो ये हमारा वन का स्क्वायर वन, ये ए इंटू मेरे दोस्त वन और प्लस बी। जैसे ही आपने एक्स का मान इसमें पुट कर दिया, भाग हो गया। अब जो आपको दिख रहा है वो रिमाइंडर है, और आपको पता है कि यही जो रिमाइंडर है वो मेरे दोस्त कितना है, 15 है। तो यहां से आपका a प्लस बी बराबर क्या बनेगा, 15 में a घटेगा 14, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। फिर देखो मेरे दोस्त, दूसरी बार भाग देना है किससे, x प्लस वन से, जीरो के बराबर करो, x का मान माइनस वन। अब x का मान यही माइनस वन किस में डालना है, ये वाली समीकरण में डालना है, ये वाली। तो ये हमारा है माइनस वन का स्क्वायर प्लस बी इंटू माइनस वन प्लस ए। जैसे आपने एक्स का मान माइनस वन डाल दिया, भाग हो गया। अब भाग हो गया तो जो दिख रहा है ये रिमाइंडर है, और आपको पता है कि इसमें भाग देने के बाद रिमाइंडर आता कितना है, माइनस वन, यानी इस रिमाइंडर को आप माइनस वन के बराबर करेंगे। तो यहां से आपको ए माइनस बी और बराबर प्लस वन, उस पार जाके माइनस वन होगा तो माइनस दो नजर आएगा। बस आप इसी समीकरण को सॉल्व कर दे तो ए माइनस बी बराबर आपको माइनस दो, ठीक है। अब क्या करें, यहां पर आप एक काम करिए कि मेरे दोस्त यहां पर जोड़ दीजिए, बी से बी गया, ट्वाइस ऑफ ए बराबर 12, यानी ए का मान हो गया 6। आप ही बताइए, एक का मान 6, दोनों मिलके 14, जिसमें ए 6 है तो बी पक्का हमारा 8 होगा, बिल्कुल 8 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे दोस्त आप बैठा दीजिए। अब जैसे ही बैठाएंगे तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, यानी 100, और 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 10। लेकिन अगर सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहता तो इसका आंसर होता नन ऑफ दिस, ठीक है। लेकिन रियल क्वेश्चन में यहां पर मेरे दोस्त रूट था, इसलिए मैंने यहां पर रूट दे दिया, ओके। आप पढ़ाते पढ़ाते अपना ऐप में चले जाते, अपना आप में चले जाते हैं, मतलब व्हाट इज दिस, आपको देखने में क्या लिखता है एक सौ 159 दिए हैं YouTube में, उसका क्या बेनिफिट है मेरे दोस्त। ये धरती उपजाऊ है, इसमें जितना आप खाद पानी डालते हैं ना उतना ही उपजता है, ठीक है। तो आपको वही उपज मिलेगा जितना आप खाद पानी डालते हैं, ठीक है, यही संसार का नियम है। चलिए आइए काम करते हैं। वो खाद पानी आपका मेहनत हो सकता है, वो खाद पानी आपका
मेरे दोस्त डेवोशन हो सकता है ना। खाद पानी का एक ही मतलब पैसा ही नहीं होता, बहुत कुछ होता है। अभी देखिए क्या लिखता है, निम्न में से कौन सा भिन्न जो आवर्ती दशमलव नहीं है। अब देखिए आपको एक बात मैं आपको यहां बताऊं, ठीक है, पॉइंट के साथ, ताकि आपको मजा आ जाए। देखिए न्यूमरेटर में नंबर और डिनोमिनेटर में ओनली 2 की पावर m या ओनली 5 की पावर m या 2 की पावर m और 5 की पावर n, समान रहे पावर या अलग अलग रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब नीचे में केवल 2 हो, केवल 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, तो इस स्थिति में दशमलव का प्रसार शांत होगा, यानी टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग। लेकिन मेरे दोस्त याद रखना, नंबर अपॉन ओनली 2 की पावर m या ओनली 5 to the power n या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के अलावा कोई और हो, कोई और रहे, तो इस स्थिति में दशमलव प्रसार हमेशा अशांत होगा और मेरे दोस्त आवर्ती होगा। यानी अशांत होगा तो आवर्ती हर हाल में होगा, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं दोस्त इंग्लिश में, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो ये बात अच्छी तरह से आप ध्यान रखना। अब मेरे दोस्त मुझे ये बताओ, 8 * 56 नीचे 7 आएगा तब तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, साथ में रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, अशांत आवर्ती। लेकिन यहां देख लो 7 * 8 = 56, यानी 1/8 का मतलब 2 * 2 * 2, नीचे केवल 2 है, इसका मतलब ये मेरे दोस्त हमारा शांत होगा, आवर्ती नहीं होगा। लेकिन यहां देख लो ये हो जाएंगे 3/28, 28 का मतलब होगा 3/2 * 4 × 7, यानी 2 और 5 के अलावा यहां 7 आ गया, इसका मतलब दशमलव का प्रसार यहां भी, है ना, दशमलव का प्रसार यहां भी आपका अशांत, ध्यान देना, अशांत आवर्ती होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यहां होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यहां होगा, लेकिन यहां नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नहीं होगा, यहां मेरे दोस्त हमारा शांत होगा, ठीक है। तो जहां भी हमें यही कहा था कि इनमें से कौन रिपीटिंग नहीं होगा, आवर्ती नहीं होगा, तो ये दोनों आवर्ती है और ये आवर्ती नहीं है, क्योंकि ये नीचे में केवल 2 है, तो मेरे दोस्त इसी को कहेंगे कि ये हमारा आवर्ती नहीं है। अर्जुन बैच का कूपन कोड क्या है? अरे अर्जुन बैच का मेरे दोस्त 499 केवल फी ही है, क्या उसमें कूपन कोड रहेगा? वो कूपन कोड सिर्फ ऐसे वहां पे लिखा हुआ है, कूपन कोड वगैरह कभी कभी जब दिया जाता है संस्थान की ओर से तो ठीक है, और वो भी दिया जाता है तो जिसके फी ज्यादा रहते हैं उसी पर। 499 है, 4000+ क्वेश्चन का डिस्कशन होना है ना, काहे कूपन कोड ढूंढ रहे हैं? आराम से जाइए आप सब लोग, जितने भी लोग टीचर की तैयारी करते हैं, आप सभी लोग जाकर अर्जुन बैच अपने फोन में जरूर रखिए, क्योंकि जब अंतिम समय एग्जामिनेशन का आता है उस समय आपके लिए वो ब्रह्मास्त्र हो जाता है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, कोई जबरदस्ती नहीं है। आओ मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए लिखता है कि 1000 रुपए की एक धनराशि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर मेरे दोस्त 1331 हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगा? जब भी आपसे रेट या टाइम पूछे तो पहला काम है प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो लगाना। तो प्रिंसिपल आपके पास 1000 है और अमाउंट आपके पास 1331 है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरे दोस्त ये जो आपका कहानी है वो कितने साल की है? 3 साल की। तो 3 साल में ये प्रिंसिपल इतने का अमाउंट बना है ना, लेकिन रेट का डेफिनेशन क्या होता है? 1 साल में प्रतिशत चेंज, तो 3 साल में इतना से इतना हुआ। अगर हम 1 साल पर आना चाहेंगे तो हमें इसका क्यूब रूट निकालना होगा, तो क्यूब रूट इसका 10 हो जाएगा, ई मेरे दोस्त 11 हो जाएगा। यानी आपने देखा कि 1 साल में 10 जो है वो 11 बना था, इसका मतलब वृद्धि कितने का हुआ था? 1 का। किस पर? 10 पर, और इंटू 100। तो याद रखना मेरे दोस्त, 1 साल में
एक साल में प्रिंसिपल में जितना प्रतिशत की वृद्धि होगी वही आपका पर एनम रेट होगा। तो ये जो 10% यहां पर है ये हमारा पर एनम रेट है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा मेरे दोस्त इस पर आइए और देखिए ये क्या है। देखिए ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर 1560 रुपए की एक राशि ए बी और सी में इस प्रकार बांटा जाना है कि ए को प्राप्त होने वाला धन बी का 50% है यानी बी का आधा है और बी को जो प्राप्त होने वाला धन है वो सी का 20% है। बहुत ही आसान है मेरे दोस्त। ये ए रहा, ये बी रहा और ये हमारा सी रहा। हमसे कहा गया कि बी को सी का 20% मिलता है। मान लेते हैं सी को 100 मिलता है, उसका 20% बी को मेरे दोस्त 20 मिलता होगा। और ए के बारे में कहा कि ए को जो मिलता है वो बी का 50% है और 50% का मतलब आधा होता है। तो ए का राशि बी का 50% तो 20 का 50% तो 10 ही हो जाएगा। यानी आप देख पाओगे कि 1:2:10 1:2:10। तो मेरे दोस्त ये जो है ना ये तीनों की धनराशि का रेशियो है। हमें किसका हिस्सा चाहिए? बी का हिस्सा चाहिए। अब आइए ना मेरे दोस्त, अगर हमें बी का हिस्सा चाहिए तो बोलिए बी को मिलेगा क्या? तो बी को मिलेगा 2। इतना में 13 में, तो बताइए 1560 में क्या होगा? 13 से 120 बार में जाएगा, फाइनल रिजल्ट 240 हो जाएगा। सो सिंपल। तो मेरे दोस्त ये परसेंटेज का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मैंने आपको आसान तरीके से बता दिया। हम देख लेते हैं रिजवान एनआरएस, जो आप में नहीं चल रहा है वो आप में चलेगा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप बहुत मैसेज कर रहे हैं, तब से मैसेज 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 आप ही का देख रहे हैं। आप पढ़िए ना, आप कन्फ्यूजन में नहीं रहिए। हम वो हर चीज आपको प्रोवाइड करेंगे जिसमें कि आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है? चलिए, अगर उसमें नहीं चल रहा होगा देख लेते हैं, कल चेक कर लेंगे, है ना? कल चेक कर लेते हैं। अब देखो मेरे दोस्त यहां क्या है, कहता है 7 मीटर वाला, 7 मीटर डायमीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा गया और उस कुएं से मिट्टी निकाल करके, ठीक है, समान रूप से फैलाकर 22 मीटर और गुने 14 मीटर डायमेंशन वाला एक चबूतरे बनाया गया। कह रहा चबूतरे की ऊंचाई क्या होगा? अब मेरे दोस्त आप समझने की कोशिश करना। अब हुआ क्या यहां पर, क्या कांड हुआ है, उस कांड को समझो। एक मेरे दोस्त बेलन बनाया गया, ये देखिए एक बेलन बनाया गया, एकदम प्यार से देखना। एक बेलनाकार कुआं खोदा गया, ठीक है। अगर इसका व्यास मेरे मित्र 7 मीटर है तो कन्फर्म त्रिज्या जो है वो 7/2 मीटर होगा और इसकी गहराई कितना है? 20 मीटर है, ये इसकी गहराई हो जाएगा। कल सबका प्रॉब्लम देख लेंगे, ओके। तो 7/2 मीटर और गहराई मेरे दोस्त 20 मीटर है। अभी गड्ढा खोदकर इससे मिट्टी निकाला और निकाली गई मिट्टी से एक चबूतरा बनाया। निकाली गई मिट्टी से मेरे मित्र एक चबूतरा बना लिया, एक चबूतरा। और ये जो चबूतरा बनाया गया है वो मेरे दोस्त घनाभाकार है, क्योंकि इसकी डायमेंशन रखा गया है, लंबाई 22 मीटर है और चौड़ाई मेरे मित्र 14 मीटर है। बस इसकी ऊंचाई नहीं दिया है, यही ऊंचाई हमें फाइंड करना है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि मेरे मित्र जो आप यहां से मिट्टी निकाले हैं उसी मिट्टी से चबूतरे बनाए हैं, इसका मतलब बेलन का आयतन चबूतरे के आयतन के बराबर। तो लीजिए बेलन का आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, 7/2 का स्क्वायर हो जाएगा 49/4 और इंटू एच, ये हमारा 20, इतना मीटर क्यूब। इधर देखिए ये भी हो जाएगा आपका घनाभ का आयतन, लंबाई गुने चौड़ाई और गुने मेरे दोस्त ऊंचाई। अब आइए यहां पर सॉल्व करें। सबसे पहले मीटर गुने मीटर से 2 मीटर चला गया, 22 से मेरे मित्र हमारा 22 भी चला गया। अब आप यहां देख सकते हैं 7/49 और 7 से कटेगा ये 14 दो बार में और 2 से कटेगा मेरे मित्र ये हमारा 10 बार में, ठीक है। तो फाइनली आप देखेंगे कि 10/4 यही आपका एच, यानी 2.5 मीटर यही आपके एच की लंबाई होगी। तो इस प्रकार आप चबूतरे का ऊंचाई देख लिए हैं 2.5 मीटर, चबूतरे की ऊंचाई 2.5 मीटर। मास्टर सीजीएल मेंस का कारनामा बताइएगा,
अरे मेरे दोस्त, क्या कहूं, इस वक्त इतना ज्यादा बिजी शेड्यूल है ना। इच्छा तो मेरी बहुत थी, है ना, आपके लिए सीरीज चलाने की, लेकिन टाइम नहीं मिला। और मैं देख रहा हूं कि सर इस टाइम एनटीपीसी वाला बैच लेना चाहिए या अर्जुन बैच, बताइए। अब देखो, वो तो आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप पे डिपेंड करता है ना मेरे दोस्त, है ना। ये सब वीडियो रहेगा ना एग्जाम तक। अरे सबको मेरे दोस्त ध्यान से देखना है, काम करना है, ठीक है। जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हो, करना है आपको, उस हिसाब से आप काम करो, ठीक है। चलो आओ अभी काम करें यहां पर। ये देखो ये क्या है मेरे दोस्त, अब हम देख पा रहे हैं, हमसे कहा जा रहा है कि सर एक्स स्क्वायर माइनस फोर, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स का एलसीएम लीजिए। अब यहां पर दो मेरे दोस्त क्या है, अलजेब्रिक दो हमारे पास बहुपद है और दोनों का एलसीएम फाइंड करने कहा। ये तो मेरे दोस्त हमें दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर और माइनस दो की स्क्वायर है, जिसे आप ए प्लस बी और आप ए माइनस बी कहते हैं, ठीक है। दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स और प्लस सिक्स माइनस तीन एक्स माइनस टू एक्स, यानी यहां से आपका बन जाएगा ये जो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू है प्लस सिक्स है, इसका फैक्टर ब्रेक करेंगे ना, एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस टू हो जाएगा, ओके मेरे दोस्त। अब जब आप इसका एलसीएम फाइंड करेंगे तो दोनों में जो कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है, एक्स माइनस टू, जो दोनों में कॉमन है वो एगो आ जाएगा, जो कॉमन नहीं है उससे गुना हो जाएगा। अब एक्स प्लस टू दोनों में कॉमन नहीं है तो उससे गुना होगा, साथ ही साथ एक्स माइनस थ्री भी दोनों में कॉमन नहीं है तो इससे भी गुना होगा। तो इस तरह से मेरे दोस्त हमारा एलसीएम आ गया एक्स माइनस टू, एक्स प्लस टू और एक्स माइनस थ्री। अब देखते हैं कहाँ है, ये तो मेरे दोस्त मुझे यहाँ भी दिख रहा है, ये तो मेरे दोस्त मुझे यहाँ भी दिख रहा है, और सच कहो तो ये मुझे यहाँ भी दिख रहा है, क्योंकि वो कैसे, अरे एक्स स्क्वायर माइनस फोर को एक्स प्लस टू और इंटू एक्स माइनस टू तो कह सकते हैं, और ये हमारा एक्स माइनस थ्री हो जाएंगे। तो इस तरीके से मेरे दोस्त तीनों ही ऑप्शन में हमें दिख रहा है एलसीएम, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दीपक कुमार, पूनम पंडित, सरवन जी हैं, सालोनी जी हैं, खुशबू जी हैं, प्रिंस जी हैं, चलिए सबका बहुत 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 वेलकम है ना, स्वागत है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये क्या है, ये तो मेरे दोस्त आप सब लोग जानते हो, टाइम एंड डिस्टेंस का ये बेसिक कंसेप्ट ही है कि अगर एक स्थान ए है एक स्थान बी है, कोई ए से बी एक्स किलोमीटर बराबर की स्पीड से जाता है और बी से ए वाई किलोमीटर बराबर की स्पीड से आता है, तो जो आपकी एवरेज स्पीड है वो मेरे दोस्त क्या होना है, टू एक्स वाई और बटे एक्स प्लस वाई, ये हमारा एवरेज स्पीड होना है। तो इस तरीके से आपने टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई एवरेज स्पीड देख लिया, बहुत ही आसान बहुत ही सिंपल था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब इसको देखते हैं कि आखिर ये क्या है, ये मेरे दोस्त वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों है ये एम वी वी आई इसलिए है क्योंकि मेरे दोस्त ये इलेवेंथ का क्वेश्चन है और सर्कल से सवाल है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सर्कल से सवाल, काफी मेरे दोस्त इंटरेस्टिंग है, मोस्ट इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आना है, बस आप मेरे दोस्त काम कीजिए, ठीक है। आइए सबको हटा देते हैं क्योंकि लिखने का जगह कहीं भी जरूरत पड़ सकता है, ठीक, आओ मेरे दोस्त काम करें। काम करें इसको, ओके। सबसे पहले देखिए 3x इंटू एक्स, ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर, 3x माइनस टू हो जाएगा माइनस सिक्स एक्स, प्लस 3y इंटू वाई, ये 3y स्क्वायर, और 3y इंटू वन ये हो जाएगा 3y, और मेरे दोस्त बराबर में है चार। अब हम ये चाहते हैं कि आप इन सब में से एक्स कॉमन, तीन कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें तीन एक्स कॉमन लेंगे तो टू एक्स बचेगा, इसमें से तीन कॉमन लेंगे तो केवल वाई बचेगा, और तीन कॉमन लेके उस पार फेंक दीजिएगा तो ये चार बटा तीन हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहां देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वाई, और चार बटा तीन आके इधर मेरे दोस्त बट्टे में हो जाएगा बराबर जीरो। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मेरे दोस्त रेडियस। अब आपको कुछ कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई और प्लस सी बराबर जीरो एक सर्कल का जनरल इक्वेशन है।
इस सर्कल का सेंटर मेरे दोस्त माइनस जी और माइनस एफ, साथ ही साथ इसका जो रेडियस होना है रूट रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस सी, ठीक है। तो ये सर्कल का जनरल इक्वेशन है जिसका सेंटर ये है और रेडियस ये है। आपको क्या करना है, जनरल इक्वेशन से इसका कंपैरिजन करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई और प्लस सी बराबर जीरो। अगर आप कंपेयर करते हो, क्योंकि रेडियस निकालने के लिए जी एच और सी की जरूरत है, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ओके। तो मेरे दोस्त आपको समझ में आ रहा होगा हम यहां पर तीन कॉमन क्यों लिए, ताकि जनरल इक्वेशन से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मिलना चाहिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का गुणांक एक रहना चाहिए, ठीक है। इसलिए हमने तीन कॉमन लिया था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर। टू जी, तो टू जी के जगह जगह देखो आपका माइनस में टू है, एक्स का गुणांक टू जी, यहाँ एक्स का गुणांक माइनस टू है, तो टू जी के जगह माइनस टू है तो जी के जगह माइनस वन होगा। फिर देखना यहाँ पर वाई का गुणांक टू एफ है और यहाँ वाई का गुणांक कुछ भी नहीं तो एक है ना, कुछ भी नहीं तो एक है, y का गुणांक 2f, यहाँ y का गुणांक 1, तो 2f बराबर 1, तो f बराबर हो जाएगा 1 बटा 2, ठीक है। अब मेरे दोस्त c देखो, जिसमें xy नहीं लगा हुआ है वो हमारा c है, c तो c के जगह पर हमारा है माइनस 4 बटे 3। आइए अब यहां पर बैठा दीजिए, जैसे ही मेरे दोस्त आप इसको बैठाते हैं तो रूट के अंदर क्या होगा, जी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, एफ हमारे पास 1 बटा 2 है, 1 बटा 2 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे दोस्त 1 बटा 4, ये माइनस सी है आपका माइनस चार बटे तीन, जो माइनस माइनस प्लस चार बटे तीन हो जाएगा। आप सॉल्व करेंगे जैसे ही तो ये 31 और बटे मेरे दोस्त 12 नजर आएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी नजर आएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर बी है। हमने गुरुजी महाभारत बैच लिया हुआ है तो वो भी तो अच्छा है, हाँ मेरे दोस्त बिल्कुल अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप शादी कब करेंगे यार, पढ़ लिख लो थोड़ा सा, हैं एकदम पूरी तरह से मास्टर के शादी के पीछे पड़े हुए हो, हैं मास्टर शादी कब करेगा, क्या एग्जाम में ये आएंगे, हैं एग्जाम में तो वो आएंगे जो एग्जाम में पूछे जाना है, तो आप वो पढ़ो ना जो एग्जाम में पूछा जाना है। हाँ मेरे दोस्त बिल्कुल होगा, जिस बैच में जो चीज बोला गया है उस बैच के अंदर वो चीज पढ़ाया जाएगा। आइए अब इसको देखते हैं कि ये क्या है, ये हमें कहता है कि प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम मान क्या होगा। मेरे दोस्त आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी का मान जीरो या उससे बड़ा और मेरे मित्र एक या उससे छोटा होगा। इसका मतलब है किसी इवेंट के प्रोबेबिलिटी का अगर आप मैक्सिमम मान पूछते हो तो मैक्सिमम तो वन होगा, किसी प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम मान मेरे दोस्त वन होगा। अच्छा वन प्रोबेबिलिटी होता किसका है, किसी सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी वन होता है, जैसे सूर्य पूरब में उगते हैं, है ना मेरे दोस्त, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, 2+2=4 होता है ना, सूर्य उगेंगे तो रोशनी होगी, ये सर्टेन इवेंट है, तो सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी वन होता है, ठीक है। अब मेरे दोस्त आ जाओ इस पर और देखो ये क्या है, हमें कह रहा है कि ए का वेतन बी से 50% अधिक है, ये ए है ये बी है, बी के पेमेंट को हम 100 मान लिए, इससे 50% ज्यादा 150 हो जाएगा, तो ए का वेतन बी से 50% ज्यादा है। अब हमें कहता है बी का वेतन ए से कितना कम है, तो बोलिए बी का वेतन ए से कितना कम है, 50 कम है, इससे ए से और इन 200 आंसर 33.1/3, बहुत ही आसान। अब आइए मेरे दोस्त 96 नंबर क्वेश्चन पर आइए, ये देखिए क्या है, देखिए ये हमें कहा गया कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ठीक है, ए बी और सी, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में ए बी बराबर ए सी है 26, आइसोसेलेस यानी समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजा बराबर होगा ही, और जो दोनों भुजा बराबर है उसको क्या कहा गया है, 26 26, और मेरे दोस्त क्या कह रहे हैं बीसी हमारा 20 है, ये पूरा का पूरा बीसी जो है ये हमारा 20 है, ठीक है, हमें चाहिए इस त्रिभुज का एरिया, ओके। आप सबको पता होगा कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजा के बीच वाले सिर से सामने की भुजा पर जब आप लंब डालते हैं तो ये बाइसेक्ट हो जाता है, पूरा 20 जो है वो मेरे दोस्त 10 और 10 में बाइसेक्ट हो जाएगा। अब आप बताइए जैसी 10y 26 हुआ तो ट्रिपलेट से ये क्या होगा,
ये हमारा 24 हो जाएगा, ठीक है। और अब मेरे दोस्त बताओ, दुनिया के किसी भी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई मालूम रहे उसका एरिया क्या होगा, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, यानी फाइनली आपको 240 नजर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। आइए दोस्त, यह था हमारा 96। अब हम आते हैं 97 की ओर। अब 97 देखिए ये क्या है, कह रहा है कि एक तरल मिश्रण में 1/5 भाग अम्ल है, 3/5 भाग एसिड है, शेष पानी है। अब आप बोलिए मेरे दोस्त, 1/5 जो है वो मेरे दोस्त एसिड है, और 3/5 जो है वो आपका एल्कोहल है, और मेरे दोस्त बचा हुआ ही आपका क्या है, पानी है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, 1/5 ये और 3/5 ये अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो 4/5, 4/5 का मतलब ये हुआ कि 5 में 4 अगर यही दोनों है तो 5 में बच कितना गया, तो 5 में केवल 1 बच गया, और ये मेरे दोस्त हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हो, एकदम प्यार से देखना। अब देखो ना मेरे दोस्त, 1/5 ए है और एल्कोहल 3/5 है, जब इन दोनों को जोड़ दे रहे हैं तो 4/5 हो रहा है, तो 5 में 4 अगर यही दोनों है तो 5 में 1 ही बच गया जो मेरे दोस्त क्या होगा, पानी होगा, है। अगर हम यहां से रेशियो लेने चले जाएं तो ये हमारे पास 1:3:5:1 हो जाएगा, ये हुआ तीनों की मात्रा का रेशियो, ठीक है। अब सवाल हमसे कह दिया है मिश्रण की कुल मात्रा 20 है, अगर हम इन सब को जोड़ देते हैं तो 4 और 1 5, रेशियो में 5 जो मेरे दोस्त 20 है, 1 रेशियो का मान क्या होगा, 4 होगा। अब 1 रेशियो का मान अगर 4 होगा, हमें पानी की बात किया है तो पानी तो 1 ही रेशियो है, 1 रेशियो हमारा 4 लीटर होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आप 4 लीटर देख रहे हो, और कहीं से आपको दिक्कत हो भी नहीं रहा होगा। क्या कोई दिक्कत है, नहीं है ना, आओ मेरे दोस्त ध्यान दो। अब देखो होता क्या है ना कि सिर्फ आके YouTube चैनल पर बकवास नहीं ना करना है मेरे दोस्त, हमें 40 क्वेश्चन कराना भी है, साथ में कंसेप्ट की जरूरत हो तो कंसेप्ट भी देना है, ठीक है। तो सिर्फ इंजॉय से काम नहीं चलेगा, पढ़ना भी पड़ेगा, ओके। अब देखो ये, जब पूर्णांक m को 8 से विभाजित किया जाता है तो 5 रिमाइंडर आता है, जब 7m को 8 से भाग दिया जाए तो क्या रिमाइंडर आएगा। अब जैसे यहां देखिए, एक नंबर है m, इसको 8 से भाग दिए तो मेरे दोस्त हमारा रिमाइंडर आ गया 5। अब हमें कह रहा है कि 7m को उसी 8 से भाग दे तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा। सबसे पहले एक बात बताओ, अगर किसी संख्या में 8 से भाग दिया रिमाइंडर 5 आया है तो आप जान लीजिए कि संख्या कम से कम 5 जरूर होगा, क्योंकि कोई भी संख्या कम से कम रिमाइंडर के बराबर जरूर होगा, क्योंकि अगर कम से कम ये 5 भी होगा ना तो 8 से भाग देंगे तो 5 ही रिमाइंडर हमें नजर आएगा। तो इस अर्थ में आपने रिमाइंडर कितना देख लिया, 5, ठीक है, सॉरी रिमाइंडर 5 था तो एम का मान देख लिया 5। अब वही एम का मान मेरे दोस्त आप यहां बैठा दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 35, 35/8, अब 35 में 8 से भाग देंगे, 8 चौक 32, रिमाइंडर कितना आएगा, 3, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया 3। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आगे बढ़ते हैं। अब इसको देख लो मेरे दोस्त, ये क्या है, अब देखो लिखता है कि किसी भूमि के आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई 10% और 8% से बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आप सब जानते हैं क्या, आप सबको पता है कि लेंथ इनटू ब्रेथ जो होगा वो हमारा एरिया होगा मेरे दोस्त। लंबाई को 10% से बढ़ाया गया है और चौड़ाई को 8% से बढ़ाया गया, एरिया में कितने का वृद्धि होगा, जो इनका सक्सेसिव होगा x+y और x(y/100), तो ये हमारा हो जाएगा 18.8%। 18.8% की हमारा वृद्धि होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं 100 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखो ये 100 नंबर क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आइए थोड़ा इस पर हम बात करते हैं, एकदम ध्यान से देखिए। अब देखिए 100 नंबर क्वेश्चन मेरे दोस्त, ये हमें कहता है कि 6 सेमी व्यास वाले शीशे के कुछ गोलियां, 6 सेमी व्यास वाले,
अब 6 सेमी व्यास का मतलब क्या है कि त्रिज्या क्या होना चाहिए, त्रिज्या 3। 3 सेमी त्रिज्या वाले ढेर सारी गोलियां, ढेर सारी छोटी छोटी गोलियां एक बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। इस तरह डाला जाता है कि पानी उसे पूरी तरह से डुबा दे। अगर बेलन का व्यास है 9 सेमी और मेरे दोस्त पानी का स्तर जो है वो 32 सेंटीमीटर ऊपर उठ गया है, तो बताइए बीकर में डाले गए गोले की संख्या क्या होगा। अब देखो है क्या ना मेरे दोस्त कि एक बेलनाकार बीकर है, एक बेलनाकार बीकर है। अब इसमें कुछ पानी पहले से था, कुछ पानी पहले से था। इसका मेरे दोस्त व्यास है हमारा 9 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 9/2 मीटर, 2 सेमी है। ठीक है, तो आप ये जान लीजिए कि पानी का लेयर यहां तक पहले से था। ठीक है, अब जैसे ही आप ये छोटी छोटी गोलियां जब आप इसमें डालना शुरू किए, ये छोटी छोटी गोलियां जब आप इसमें डालना शुरू किए, ठीक है मेरे दोस्त, छोटी छोटी गोलियां जब आप इसमें, यानी कि आपने छोटी छोटी ढेर सारी गोलियां जब इसमें डाला, तो पानी का जो लेवल है, जहां लेवल था पहले से, वहां से पानी का लेयर अब ऊपर उठ गया। ठीक है, ऊपर उठ गया, और कितना ऊपर उठा है तो मेरे मित्र 32 सेमी तक ऊपर उठा है। अब सवाल यह है कि पानी का लेयर 32 सेमी ऊपर क्यों उठा होगा, क्योंकि आपने जो गोलियां डाला वो जितना जगह छेकेगा उतना पानी ऊपर उठेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि ऊपर उठे पानी का आयतन डाले गए सभी गोलियों के आयतन के बराबर होगा। तो क्या ये गलत होगा? बिल्कुल भी नहीं। सभी गोलियां जितना जगह छेकेगा उतना ही पानी ऊपर उठेगा, यानी ऊपर उठे पानी का आयतन बराबर डाले गए सभी गोलियों का आयतन। ठीक है मेरे दोस्त, तो अब आप बताओ मुझे, हमें ऊपर उठे पानी का आयतन लेना है, यानी हमें इतना दूर के बेलन का आयतन लेना है। ऊंचाई भले ही 32 काम करेगा, लेकिन त्रिज्या तो सारी 9 सरिया चार ही रहेगा। कहोगे हाँ जी सर, तो मेरे दोस्त मुझे ही बताओ, गोलाकार ये गोलाकार गोली है, तो गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 πr³, r है 3, 3³ हो जाएगा। लेकिन मैं पूछता हूं, ये तो एक गोली का आयतन हुआ, ऐसा ऐसा कितना गोली डाला गया नहीं मालूम, तो मान लेते हैं ऐसा ऐसा n गोली डाला गया, यानी डाले गए सभी गोलियों का आयतन किसके बराबर होगा? तो मेरे दोस्त ये ऊपर उठे पानी का आयतन, यानी इस बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन होता है पाई r²h, 9/2 का² 81/4 हो जाएगा, और इंटू एच, एच कितना है मेरे दोस्त हमारा 32 है। अब देखो जो कटने वाला है उसे काट दो, जैसे ही आप काटोगे 3³ 27, 27³ हो जाएगा। ठीक है, 4² 32, और मेरे दोस्त ये यहां से कटेगा 4² 8, पाई से पाई भी हमारा कैंसिल आउट हो गया। फाइनली यहां पर एन बाई 3 और बराबर इधर हमें दिख रहा है 6, यानी एन का मान हो जाएगा 18। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया 18, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 18। एकदम ऐसे ही प्यार बरसाते रहो, ऐसे ही आप लाइक का बटन है ना, ऐसे ही आपका प्यार मोहब्बत बना रहेगा, तो मेरे दोस्त यकीन दिलाता हूं वो चीज होने वाला है जिसकी आपने सोचा भी नहीं होगा, है ना। मैं प्रयास करूंगा कि आपकी काफी हद तक मदद किया जाए। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखो जैसे इस क्वेश्चन में हमें ये बात पता है कि ये जो हमारा BC है वो DE के पैरेलल है, अच्छी बात है। X का मान हमसे मांग रहा है, मेरे दोस्त मैं यहां पर यह चाहता हूं कि आप इसको थोड़ा सा मेरे दोस्त आगे बढ़ा दो, थोड़ा सा। अब जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे ना, तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल काटेगी तो ये मेरे दोस्त कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से संगत कोण से बराबर हो जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर। अब मैं आपसे कहूंगा कि मेरे दोस्त जरा सोचो, ऊपर वाले त्रिभुज में इस भुजा को आगे बढ़ाया गया तो क्या ये बहिष्कोण नहीं है? आपको हाँ सर, एक्सटीरियर एंगल है। तो आपको पता होना चाहिए इस ट्रेंगल का ये एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल, बहिष्कोण सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर, यानी एक्स प्लस 38 जो है वो 122 के बराबर। तो एक्स बराबर हो जाएगा 122 और माइनस 38, यहां से 4 और मेरे दोस्त 11 में से 3 गया तो 8, यानी कि 84 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 84 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
आज ज्ञान गुरुकुल पटना पे एनटीपीसी की क्लास नहीं हुआ मेरे दोस्त। आज एनटीपीसी का आपको एक वीडियो दिया गया था, राइट टाइम जो टाइम आपको कहा गया था, ठीक है, कि 2 बजे से आपकी रेलवे की क्लास होगी, तो 2 बजे हमने एकदम 30 क्वेश्चन का बेहतरीन डिस्कशन का आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था, ठीक है, एकदम एब्सेंट बिल्कुल भी नहीं, एकदम मेरे दोस्त रेगुलरिटी मेंटेन करके आपके सामने रखा जा रहा है, चाहे रेलवे की बात हो चाहे टीचर की बात हो। और आपको एक बात बताता हूं, इस चैनल पर यानी ये नवीन कुमार सिंह चैनल पर मंडे से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है भाई, नवीन कुमार सिंह चैनल पर भी मंडे से मैं एनटीपीसी की क्लास लेकर आपके सामने नजर आऊंगा। टीचर वाली अपने टाइम पर चलता रहेगा, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है ना, और वो होंगे तो अलग टाइम में होंगे। मेरे दोस्त इसको देखिए, आप क्या देख रहे हो, ये हमारे पास चरमान है, ये हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी है, क्या कहा गया हमसे, हमसे कहा गया बताइए माध्य क्या होगा। चरमान और फ्रीक्वेंसी देकर जब भी आपसे माध्य पूछा जाएगा तो मेरे दोस्त ये आपका सिग्मा एफ एक्स और बटा सिग्मा एफ, यही आपका माध्य होता है, ठीक है। आप सिग्मा फ्रीक्वेंसी जोड़ लो तो मेरे दोस्त आप देख लो यहां पर 20, 9, 29, 8, 37 और 3, 40 सिग्मा एफ तो पहले ही 40 हो चुका है, ठीक है। अब जल्दी से मेरे दोस्त आपको यहीं पर एफ एक्स निकालना होगा, यहीं पर एफ एक्स निकालना होगा, बोलिए 15 * 3 = 45 ये हम एफ एक्स निकाल रहे हैं मेरे दोस्त। 16 * 8 = 128 17 * 10 = 170 और ये हो जाएगा 180, ये हो जाएंगे 19 * 5 = 95 और ये 20 * 2 = 80, ठीक है। आप इन सब को ऐड कर लो, ठीक है, इन सब को ऐड करो, बताओ इन सब को ऐड करके क्या आएगा। तो मेरे दोस्त जब आप सिग्मा एफ एक्स सब को ऐड करोगे तो 698 नजर आएगा, ये आपका 698 हो गया। जैसे ही आप इसको भाग देंगे 17.45, एकाध क्वेश्चन तो थोड़ा कैलकुलेटिव हो ही जाएगा, एक दो क्वेश्चन तो हल्का कैलकुलेटिव हो जाएगा जो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 102। अब मेरे दोस्त हम 103 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिए 103 क्या है। अब 103 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है कि सर दो सिमिलर ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दिया हुआ है, हमसे कह दिया कि बताइए दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग दोनों जो सिमिलर ट्रायंगल हैं उनके एरिया का रेशियो क्या होगा। तो मेरे दोस्त सवाल ये है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उसंगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर, लेकिन PQR ऊपर रखे हैं ना, तो PQR की संगत भुजा ऊपर होगी, ABC की संगत भुजा नीचे होगी, लेकिन हम तो यहाँ पर उल्टे देख रहे हैं, ABC का पार्ट ऊपर है, PQR का पार्ट नीचे है, तो उलट दीजिए, उलटिएगा QR बटे BC करिएगा तो क्या ये 3/1 नहीं होगा, बिल्कुल होगा। मैंने QR बटा BC क्यों किया, क्योंकि PQR ऊपर है और ABC नीचे है, तो मेरे दोस्त संगत भुजा हमारा हो जाएगा 3/1, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर, यानी 9/1, रिजल्ट हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने किया था वो गलत था, आप नाम नहीं देखिएगा तो गड़बड़ तो हो जाएगा ना। अब BC बटा QR है, यानी ABC का पार्ट है BC, लेकिन ABC तो त्रिभुज यहां नीचे है, जो त्रिभुज नीचे है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड नीचे आएगा, ABC में वहां जो आपको BC दिख रहा है वो तो ABC का पार्ट है, तो BC हमारा नीचे होना चाहिए था, इसलिए हम मेरे दोस्त इस फ्रैक्शन को उलट दिए थे, ठीक है, फ्रैक्शन को उलट दिए थे। अब आप इनसे जरा मिलिए, ये क्या है, देखिए ये पार्टनरशिप का सवाल है मेरे दोस्त, ये हमें कह रहा है कि दो पार्टनर A और B एक साथ मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 6,000 और 8,000 का पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया, यदि उनको 5,600 का लाभ मिला तो बताइए ए का हिस्सा क्या होगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये रहा ए और ये रहा बी, मेरे दोस्त ध्यान रखना, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही मेरे दोस्त प्रॉफिट का भी रेशियो होता है, कब, जब इन्वेस्ट किया बीच में कोई जोड़ तोड़ नहीं किया,
उस स्थिति में जो धनराशि का रेशियो होगा वही लाभ का रेशियो होगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त यहां पर 6000 रुपया ए लगा रहा है और 8000 रुपया बी लगा रहा है, तो मेरे दोस्त यहां पर रेशियो देखेंगे 3:4। ये इसके इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो है और यही इस वक्त इसके प्रॉफिट का भी रेशियो है। हमें चाहिए ए का हिस्सा, तो बताइए ए को मिलेगा क्या? ए को मिलेगा 3, कितना में? 7 में। तो बताइए ए को 3 मिलेगा 7 में, तो बताइए मेरे दोस्त 5600 में क्या मिलेगा? 7 × 8 = 56, यानी ये आपका 2400 नजर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप 2400 देखेंगे। हमें नहीं लगता है कि आपको कहीं से भी कोई समस्या हो रहा होगा। ठीक है दोस्त, आइए अब मेरे दोस्त आगे बढ़िए। एक गोले की त्रिज्या 21 है, इसका आयतन क्या होगा? ये मेरे दोस्त आप खुद से बना लेना, 4/3 πr³। आप थोड़ा इसको देखो, ये क्या है? कह रहा है कि नया बेलन बनाने के लिए किसी बेलन की त्रिज्या में 40% की कमी और ऊंचाई में 60% की वृद्धि की गई तो आयतन क्या होगा? मेरे दोस्त सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पाई r × r × h, यही है बेलन का वॉल्यूम। अब सिलेंडर के वॉल्यूम में पाई जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है और किसी कांस्टेंट वैल्यू का परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज में कोई रोल नहीं होता। ठीक है, अब आप कह सकते हैं कि अगर त्रिज्या में 40% की कमी की गई है, ठीक है भाई, इसका मतलब क्या है कि 2/5 की कमी की गई है, 2/5 की कमी की गई है। ठीक है भाई, अरे 40% की कमी का मतलब क्या होता है? 40% की कमी का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ, हैं? 40% की कमी की गई है रेडियस में, रेडियस का प्रयोग 2 बार है तो 2 बार 40% की कमी होगा, और ऊंचाई में 60% की वृद्धि की गई है तो ऊंचाई में 60% की वृद्धि की गई है, वॉल्यूम में क्या होगा? तो वॉल्यूम में वही होगा जो इसका सक्सेसिव होगा, काहे का टेंशन लेना। ठीक है, अब ये बताओ एक मिनट, 40% की कमी का मतलब 2/5 की कमी, 40% की कमी का मतलब 2/5 की कमी, 60% की वृद्धि का मतलब हो जाएगा 3/5 की वृद्धि। तो मेरे दोस्त आप जल्दी से सक्सेसिव ऐसे निकालिए, इनिशियल और फाइनल। बताइए 2/5 की कमी का मतलब 5 में 2 की कमी, 3 हो जाएगा, फिर से 2/5 की कमी, 5 था 2 की कमी किए तो फिर से 3 हो जाएगा, और ये 3/5 की वृद्धि यानी 5 था 3 की वृद्धि किए तो 8 हो गया। तो मेरे दोस्त 2/5 की कमी, 2/5 की कमी तो 5 से 3 5 से 3, और वो 3/5 की वृद्धि यानी 5 से 8, तो भाई 2 लगातार कमी फिर से वृद्धि कर दिया, तो देखते हैं फाइनली क्या होगा। फाइनली इधर आपका 125 और इधर हो जाएगा आपका 72। ठीक है, तो मेरे दोस्त देखो फाइनल कमी तो हो ही गया, अब 125 का चीज 72 रह गया, तो मेरे दोस्त कमी तो हुआ ही, लेकिन कितने का कमी? इसमें से उसको घटाओ तो आपको पता चलेगा 5 में से 2 गया तो 3 और 12 में से 7 गया तो 5, 53 की कमी, किससे? 125 से और इंटू 100। आप मेरे दोस्त सॉल्व करेंगे 42.4 नजर आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर 42.4 हो जाएंगे। अब मेरे दोस्त बचा हुआ कहां है? बस 3 से 4 क्वेश्चन ही बचे हुए हैं, 1.5 घंटे की सेशन ही होना है, 1.5 घंटे, मैंने 5 मिनट विलंब से क्लास स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 1.5 घंटे का सेशन होना है तो 1.5 घंटे का होगा ना, ध्यान दो। अब यहां पर देखो ये क्या है, मेरे दोस्त ये कह रहा है कि 0.3, 3.5 से गुजरने वाले एक्स एक्सिस से 135 डिग्री के कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा? अब देखिए जो रेखा एक्स अक्ष के साथ 135 डिग्री का कोण बनाएगा, जो रेखा एक्स अक्ष के साथ 135 डिग्री का कोण बनाएगा उसका स्लोप क्या होगा? टेन 135, और टेन 135 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? 90+45, और टेन 90+45 -cot 45 होता है, यानी हो जाएगा -1, इसका मतलब स्लोप हो गया आपका -1। अब जिस लाइन का इक्वेशन मांग रहा है वो 3.5 से पास कर रहा है और जिसका स्लोप -1 है, तो क्या करेंगे? पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन लिखेंगे, y − y1 = m × x − x1। अब ये देखिए y − y1 कितना है मेरे दोस्त? ये हमारा 5 है, m
एम देख लो तो एम हमारा माइनस वन है, एक्स माइनस एक्स वन तो एक्स वन हमारे पास तीन है। अब ये देखिए वाई माइनस फाइव माइनस एक्स और ये प्लस तीन। अब यहां एक्स आ जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर एट, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मेरे दोस्त एक तो तरीका था कि आपने बेसिक से कर लिया, और दूसरा तरीका यह है कि आपको यह बात पता होना चाहिए कि जिस लाइन का इक्वेशन चलो आओ मेरे दोस्त, अचानक से लाइट कट गई थी और उस स्थिति में आपका सिस्टम अचानक से बंद हुआ था तो उसे फिर से रीस्टार्ट करना पड़ा, इसलिए बीच में बफरिंग आपका होने लगा। तो चलिए हम लोग यही क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। हमने बेसिक से बता दिया था आपको तब लाइन कटा था, ओके। मैंने एक बात यहाँ पर कहना स्टार्ट किया था कि एक तो बेसिक तरीके से हम बना ही सकते हैं, दूसरा मैंने आपको ये कहा कि जिस लाइन का इक्वेशन मांग रहा है वो 3.5 से पास कर रही है। तो मेरे दोस्त अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से पास करेगी तो वो पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, यानी एक्स के जगह तीन और वाई के जगह पांच बैठाएंगे तो एलएचएस बराबर आरएचएस करेगा, एक्स के जगह तीन वाई के जगह पांच बैठाएंगे तो आठ माइनस आठ बराबर जीरो इसी को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त यहाँ बेसिक से था और यहाँ पर पॉइंट डायरेक्ट रख के भी आप काम कर सकते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या है समझते हैं। ये मेरे दोस्त हमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी के 12 पदों का योग क्या होगा अगर पहला पद माइनस 19 और अंतिम पद 36 है। अब देखिए आपको ये बात पता होना चाहिए एस एन बराबर एन बाई टू फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म। अब देखिए एन बाई टू आप जैसे ही करेंगे तो 12 पदों का योग है ना, तो 12 बट्टे दो यानी कि हो जाएगा 6 फर्स्ट प्लस लास्ट। तो देखिए फर्स्ट टर्म हमारा क्या है माइनस 19, अरे 12 पदों का योग करोगे 12 बटा 2 तो 6 हो जाएंगे ना, यहाँ ध्यान दो सब लोग मेरे दोस्त, यहाँ देखो ये 12 पदों का योग है तो 12 बटे 2 फर्स्ट टर्म माइनस 19 और लास्ट टर्म हमारा है 36। अब यहाँ से देख लें हमारा 6 होगा, अब इसमें से 19 चला गया तो 17 मेरे दोस्त 17 छके 102 यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 102 हो जाएगा, 102 102, ठीक है। आइए मेरे दोस्त अब इसको देखते हैं ये क्या होता है। अब देखिए कह रहा है कि सी किसी टंकी को 12 घंटे में, सी किसी टंकी को 12 घंटे मेरे दोस्त भर सकता है और डी टंकी को 40 घंटे में भर सकता है, उस टंकी को सी और डी दोनों एक साथ कितने घंटे में भर सकता है। अब आप देखिए ना मेरे दोस्त, सी किसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है जबकि डी उस टैंक को 40 घंटे में भर सकता है, तो टैंक की कैपेसिटी क्या होगा 120 है ना, एक घंटे में 10 और एक घंटे मेरे दोस्त ये 3 है ना। अगर ये दोनों मिलके भरेगा तो क्या बोलेंगे, भरना है 120 और दोनों की एक साथ क्षमता है 13 यानी मेरे दोस्त 120 बटे 13 यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन लेते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन ये है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सर यदि अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर को यदृच्छया चुना जाता है तो इस प्रकार चुने गए अक्षर के भोबिल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। मेरे दोस्त सबसे पहले इंग्लिश के 26 लेटर में वोबेल जो है ए ई आई ओ और यू, यही है वोबेल ए ई आई और यू, ये है अपना वोबेल, ठीक है। हमें कह रहा है कि 26 में से एक लेटर चुने वो वोवेल हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो चुना हुआ लेटर अगर वोवेल होगा तो इसी पांच में से कोई एक होगा, लेकिन चुने थे किस में से, 26 में से, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 5/26 होगा, इस क्वेश्चन का आंसर 5/26 होगा, ठीक है। तो चलिए मेरे दोस्त हम आज की कहानी को, मैंने 3.0 बैच लिया था और मेरे प्रोविजनल आंसर की से टीजीटी में 102 आ रहा है। मेरे दोस्त आपको सफलता की है ना एडवांस में हार्दिक बधाई। मेरे दोस्त आज का क्लास यहीं पर हमारा समाप्त हो गया है और आपसे मैं यही पूछूंगा कि आप सभी लोग अगर आपको अच्छा लगता होगा
अभी कमेंट मत करना, जैसे ही मैं लाइव अभी बंद करूंगा, तो लाइव बंद करने के बाद आप अपना अपना ओपिनियन 30 से 15 सेकेंड निकालकर जरूर देना, क्योंकि मैं आपके लिए घंटों निकाल सकता हूँ, तो आप हमारे लिए 15 से 20 सेकेंड तो निकाल ही सकते हो। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू।